हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काशिफ और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो सिम के एक कॉलिंग प्रॉब्लम की। जब जियो सिम से हम कॉलिंग करते हैं तो ज़्यादातर वक्त हमें ये आवाज़ सुनने को मिलती है। दोस्तों, आखिर ये प्रॉब्लम क्यों है, क्या है इसकी वजह और कब तक ये सॉल्व हो पाएगी? क्या इसके लिए जियो सिम जिम्मेदार है या फिर अदर नेटवर्क्स प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, वोडा, आइडिया एट्सेट्रा? तो आइए देखते हैं जियो सिम कॉलिंग प्रॉब्लम की असल वजह क्या है और कौन है इसके लिए ज़िम्मेदार। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक कंपनी के सिम से किया गया फ़ोन दूसरी कंपनी के सिम से कैसे कनेक्ट होता है। जब आप जियो से कॉल कर रहे होते हैं तो उस वक्त जिस कंपनी को सिम पर कॉल कर रहे होते हैं उस पर POI चाहिए होता है कॉल कनेक्ट करने के लिए। POI का मतलब है पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्ट। जब आप जियो से कॉल करते हैं तो आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आप वोडाफोन के सिम से एयरटेल पर कॉल करते हैं तो आपका कॉल कनेक्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एयरटेल ने वोडाफोन को POI यानी पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्ट दे रखा है। जियो ने ट्राई को बताया कि उसे लगभग 12,727 नेटवर्क इंटरकनेक्ट कनेक्शन पॉइंट्स मोबाइल सर्विस के लिए चाहिए और 3,066 STD कॉल फैसिलिटी के लिए। जियो को लगभग 16,000 POI चाहिए अपने कमर्शियल सर्विस के लिए। जियो POI के चार्जेस भी पे कर रहा है हर एक कस्टमर के कॉल्स के लिए दूसरे सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को। अब मैं आपको एक एक करके सभी टेलीकॉम कंपनी के बारे में बताता हूँ कि वो क्या कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं आइडिया की। जियो की तरफ से स्टेटमेंट है कि उनकी तरफ से लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा कॉल फेल्योर हो रही है। अगर जियो की तरफ से 1,000 कॉल किए जाते हैं तो उसमें से 750 कॉल ड्रॉप हो जाती है। ट्राई के क्वालिटी ऑफ सर्विस रेगुलेशन के हिसाब से अगर 200 कॉल अटेम्प्ट की जाती है तो उसमें से एक से ज़्यादा कॉल फेल्योर नहीं होनी चाहिए। आइडिया ने 1,865 POI देने का वादा किया है जिससे कि जियो की एक्सेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी आइडिया की तरफ से। पहले जियो में आइडिया की तरफ से 565 पोर्ट्स थे। पिछले 10 दिनों से लगभग 52 करोड़ कॉल्स एयरटेल और वोडाफोन की तरफ से फेल्योर हुए हैं जिसमें से 22 करोड़ कॉल्स एयरटेल की है। अब हम बात करें वोडाफोन की तो वोडाफोन ने सबसे कम इंटरेस्ट दिखाया है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने में और जियो को अभी तक कुछ रिप्लाई भी नहीं किया है POI के लिए। दूसरी टेलीकॉम कंपनी जैसे एयरटेल या फिर आइडिया ने POI के लिए जियो से वादा किया है कि वो इंटरकनेक्ट पोर्ट्स ओपन करेंगे, बट वोडाफोन जो एक सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क प्रोवाइडर होकर भी अभी तक इस प्रॉब्लम का कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकाल रही है। प्रेस रिलीज के मुताबिक 100 में से 80 कॉल्स फेल्योर हो रहे हैं और पिछले 10 दिनों में लगभग 15 करोड़ कॉल्स वोडाफोन की तरफ से ड्रॉप हुई है। वोडाफोन के इस एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर की वजह से वो कस्टमर के सामने अपने लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा कर रहे हैं। वोडाफोन तो बहुत सारे खुद के सब्सक्राइबर का MNP फैसिलिटी डिसेबल कर रही है ताकि कस्टमर जियो में पोर्ट ना हो सके। वोडाफोन से मुझे ये होप है कि जल्द से जल्द POI जियो को दे, तभी जियो के QoC के पैरामीटर्स मीट कर पाएंगे। मैं ये भी आशा करता हूँ कि वोडाफोन जल्द से जल्द अपने सब्सक्राइबर के लिए MNP सर्विस को एनेबल कर देगा, कोई भी कस्टमर जियो में पोर्ट हो सके बिना किसी प्रॉब्लम के। मैं इस वीडियो में एयरटेल के प्लान्स के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। एयरटेल ने कुछ दिनों पहले एक ऑफर प्लान लॉन्च किया था। एयरटेल ने उस प्लान को फ्री अनलिमिटेड कहा था। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इस प्लान को लेने के लिए आपको 1,500 रुपये देने होंगे और एयरटेल ने ये प्लान में फ्री अनलिमिटेड बोला है, तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको सिर्फ इसमें 30 GB का डाटा मिलता है। उसके बाद आपकी स्पीड 80 KBPS हो जाएगी जो कि चलाने लायक तो होती नहीं है। एक और हिडन टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको पहले सिर्फ 15 GB का डाटा मिलेगा, उसके बाद अगले 15 GB का डाटा आपको ऐप से मिलेगा जो कि आपको इंस्टॉल करनी होगी। ये प्लान आपको 3 महीने के लिए मिलेगा और इस प्लान में ही आपको रहना होगा चाहे आपका 30 GB डाटा क्यों ना ख़त्म हो गया हो। इस प्लान को वही ले सकते हैं जिनका नंबर प्रीपेड है। पोस्टपेड वालों के लिए ये ऑफ़र नहीं है। ये प्लान सुनने में बिल्कुल जियो की तरह मिलता है, बट अगर आप इसे सही से परखेंगे तो आपको इसका सच मालूम हो जाएगा।
जियो तो फ्री है, इसमें आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है और इसमें आपको लगभग 4 महीने के लिए सब कुछ अनलिमिटेड मिलता है। वो बात अलग है कि रोज़ाना आपको 4 GB डाटा की कैपिंग है। मेरा बस ये सोचना है कि जिसमें पब्लिक का फ़ायदा हो वो मेरे लिए सही है। अगर जियो गलत है तो मैं जियो के बारे में बताऊँगा कि ये गलत है, और अगर कोई कंपनी गलत करती है तो उसके बारे में बोलूँगा। मैं आपको सिर्फ डाटा कलेक्ट करके ये बताना चाहता था कि जियो की कॉलिंग प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि जियो की कॉलिंग प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि एयरटेल, आइडिया और वोडा जल्द से जल्द जियो को POI दे दे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल टेक फायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।